हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर एट टू थर्टीन चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स क्लास सिक्स सीबीएसई और एन सी आर टी साइंस स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एट टू थर्टीन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट ए वेदर ए प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइबर्स रूट कि स्टूडेंट क्या आपके लिए पॉसिबल है या फाइंड आउट करना कि किसी प्लांट की रूट टैप रूट हैं या फाइबर रूट हैं बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव ऑन ए सीट ऑफ पेपर कि हम उस प्लांट के लीफ के इम्प्रेशन को देखकर, जो कि एक सीटो पेपर पर बना है लीफ क्या उसे देखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लांट की रूट्स टैप रूट हैं या फाइबर्स रूट यस, यस फ्रेंड ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है लीफ के इम्प्रेशन यानी उसके डिज़ाइन में और प्लांट्स के रूट्स में एक रिलेशन होता है अगर हमें वो रिलेशन पता है तो हम ऐसा कर सकते हैं यस वी कैन फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैजप रूट और फाइबर्स रूट बाई लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ लीव जो ए सीट ऑफ पेपर यहां तक स्टूडेंट क्वेश्चन में से ही है कि पेपर के ऊपर लीव के इंप्रेशन को देखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे इफ़ द लीव हैज़ पैरल विनेशन कि लीव का विनेशन अगर पैरल है यानी उसका डिजाइन अगर पैरल है देन इट विल हैव फाइबर्स रूटें तो उस प्लांट की रूट क्या होंगी स्टूडेंट फाइबर्स रूट होंगी बट इफ द लीफ हैज रेटिकुलेट विनेशन कि यदि प्लांट्स के जो लीफ है उसका विनेशन डिजाइन रेटिकुलेट है देन द प्लांट विल हैव टैप रूट तो स्टूडेंट उस प्लांट की रूट टैप रूट होती हैं सो तो स्टूडेंट इस तरह से हम लीफ के केवल इंप्रेशन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि प्लांट की रूट्स किस टाइप की हैं इसके लिए हमें प्लांट्स को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्वेश्चन नंबर नाइन ने राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके नेम क्या हैं तो सो स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर सेपल्स Petals, and ये four parts होते हैं, लेकिन के four part समें देते हैं, आउटर पार्ट होते हैं और जब उनको अलग कर देते हैं तो हमें इनर पार्ट नजर आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द्लांट है कि इन प्लांट्स में से फ्रेंड्स आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं ऑफ दोच दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स उन प्लांट्स के नेम बताइए जो आपने देखे इनमें से जिन पर के फ्लावर आते हैं विच वन हैव फ्लावर्स सो फ्रेंड्स इन प्लांट में से जिन पर फ्लावर आते हैं वो हैं कि प्लांट विच हैव फ्लावर्स आर चिली चिली का जो प्लांट है स्टूडेंट पहले उस पर फ्लावर आता है फिर उसकी चिली बनती है इसी तरह से टोमेटो मैंगो पोम पोमग्रेनेट यानी अनार एंड लेमन इन सभी प्लांट्स पे स्टूडेंट पहले फ्लावर आते हैं और फिर उसके फ्रूट बनते हैं बाकी जो प्लांट बच गए ग्रास ग्रास पे स्टूडेंट आपने देखा है पार्क में ग्रास लगी तो उस पर फ्लावर नहीं आते मेजी वीट इन पर भी फ्लावर नहीं आते मेजी वीट पर वो बालियाँ बोली जाती हैं वीट की गेहूँ की बालियाँ होती हैं उनको फ्लावर नहीं कहते सो so, स्टूडेंट्स आपको इनमें से केवल ये प्लांट्स लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं पर फ्लावर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन स्ट्रेंड नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड कि प्लांट के उस पार्ट का नेम बताइए जो कि फूड प्रोड्यूस करता है नेम दिस प्रोसेस और उस प्रोसेस का नेम बताइए जिसके अकॉर्डिंग वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है सो स्टूडेंट सोव प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट कि प्लांट का जो लीवज पार्ट है वो प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करता है यानी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इस प्रोसेस को स्टूडेंट फोटो प्रोसेस कहते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू लाइक ले टू फाइंड ओवरी कि ओवरी पार्ट फ्लावर के किस पार्ट में का किस पार्ट में पाया जाता है वी कैन फाइंड ओवरी इन द पिस्टल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कि फ्लावर के पिस्टल पार्ट में हम ओवरी को देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेन नेम टू फ्लावर्स और प्लांट्स किसी बुक में फ्लावर्स लिखा हुआ होगा किसी में प्लांट्स भी लिखा हो सकता है दोनों सेम बात है क्योंकि फ्लावर का नेम ही उस प्लांट का नेम होता है इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल्स कि एक ऐसा फ्लावर बताइए या प्लांट का नेम बताइए जिसके सेप्पल्स क्या है? हैं ज्वाइंट हैं यानी एक दूसरे से अटैच हैं जुड़े हुए हैं एंड द अदर हैज सेपरेटेड सेपल्स और एक दूसरा जो नेम बताइए प्लांट का या फ्लावर का जिसके सेपल पार्ट सेपरेटेड हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं सो so, स्टूडेंट फ्लावर विद ज्वाइंट सेपल इज टमेटो कि टमेटो फ्लावर है जो या टमेटो प्लांट है उसके सेपल पार्ट क्या होते हैं ज्वाइंट होते हैं इसके अलावा और भी हो सकते हैं स्टूडेंट प्लांट या फ्लावर के नेम बट हमें यहाँ पर केवल एक ही बताना है एंड फ्लावर विद सेपरेटेड सेपल इज रोज और रोज फ्लावर को अगर आप देखो तो उसके सेपल्स से सेपरेटेड नज़र आएंगे ये मैं आपको एक फिगर में दिखाता हूँ कि टमेटो फिगर टमेटो प्लांट पे जो फ्लावर आता है उसके नीचे देखिए सेपल पार्ट दिस इज सेपल पार्ट एंड दिस इज ए पार्ट तो सेपल पार्ट देख सकते एक दूसरे से ज्वाइंट हैं एंड रोज फ्लावर में दिस इज सेपल पार्ट दिस इज सेपल पार्ट दोनों सेपल पार्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं। बीच में इनके क्या है गैप है सेपरेटेड है दिस इज पैटल पार्ट स्टूडेंट इस तरह से फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं आपको ये केवल समझने के लिए थे तो आप आंसर याद रखें सो so, स्टूडेंट आज आपको क्वेश्चन नंबर एट से थर्टीन तक लर्न करने हैं इन्हें फिर कॉपी में नोट कर लेना है ओके okay, स्टूडेंट थैंक यू